तो आज का जो हमारा जो वीडियो जो बन रहा है वो आपको झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, जो आने वाला एग्जाम कोई भी हो, चाहे अभी सचिवालय होगा उसके लिए, उत्पाद होगा उसके लिए, झारखंड पुलिस का भी एग्जाम आ जाएगा उसके लिए, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएससी, कोई कोई एग्जाम को कंडक्ट कर रहा हो, आपको सबके लिए महत्वपूर्ण है। जेटेट भी लिखिएगा तो आप जेटेट का जो परीक्षा हुआ था उसमें आप जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में कम से कम 9 गो या 10 गो करंट अफेयर्स था उसमें, झारखंड का करंट अफेयर्स था। यहाँ पर तो एगो क्वेश्चन में तो ई भी था कि आपको इधर एगो स्कूल नहीं था जिसमें कोई घटना घटा था, से शिक्षक जो था, प्रिंसिपल जो था, एगो का मर्डर कर दिया था, उसके बारे में भी क्वेश्चन है आपको। यहाँ तक कि पूरा करंट, एकदम पूरा का पूरा करंट छाप दिया है 2012 की, कब हुआ था ना एग्जाम, प्रीवियस ईयर का, उस बारे में बात कर रहे हैं। तो झारखंड का जो आप जेपीएससी अभी देख लीजिए, आप जेपीएससी में आपको आदिम जनजाति से 2-4 गो 4-5 गो क्वेश्चन था बस, सुबह में भी शाम में भी, बाकी जितना था सब आपको क्या था, करंट अफेयर था। आप अभी भी क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन होगा, आप सर्च करके आप देख लीजिए, मतलब 10 क्वेश्चन पुराना होगा, इतिहास भूगोल इस सब से होगा, लेटर पटर से, बाकी सारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स भरा पड़ा था। इसलिए हम अपना नोट्स कॉपी, मतलब मेरा जो नोट कॉपी है वही आपको हम दे रहे हैं, हम अपने नोट कॉपी में जो लिखे हुए हैं वो आपको शायद मैच कर जाए। शायद क्या, पिछले बार हम 12 या 13 मिनट का एक वीडियो बनाए थे, उसमें से 4 क्वेश्चन मैच किया था जेपीएससी में, मात्र 13 मिनट का वीडियो से 4 क्वेश्चन, आदमी का हुआ 4-4 घंटा का वीडियो, एक क्वेश्चन मैच नहीं किया। तो क्वेश्चन में क्वालिटी होगा तभी आपका मैच करेगा, सिलेक्टिव क्वेश्चन रखेंगे तभी आपको मैच करेगा, और सिलेक्ट करने के लिए भी आपको दिमाग चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किताब खोल लिए और एकदम आए बाएँ पढ़े जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। आपको आए बाएँ नहीं पढ़ना, आपको वही चीज़ चाहिए, केवल मेवा चाहिए, आपको केवल मेवा चाहिए, है ना, केवल भूसा सबको गांज के रख दिया, ऐसा में आपका नहीं चलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, 151 प्रश्न कुल है, लाइन पे आप बने रहिएगा, वीडियो में अंतिम तक चलिए, आपको काम ही देगा, कुछ इसमें हानि वाला बात नहीं, डिस्क्राइब भी करते जाएंगे जहां रहेगा डिस्क्राइब करने लायक। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में झारखंड का स्थान क्या रहा, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में, करंट है कि नहीं आपका, करंट है, पूरा का पूरा करंट उठा के लाए आज आपके लिए। तो कौन सा स्थान रहा आपको, आठवां, कौन सा स्थान रहा, आठवां, और दामोदर घाटी निगम पर कितने आपको बांध बने हुए हैं, आठ, कितने बांध बने हुए हैं, आप ऐसे ही याद रखिएगा। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा स्थान रहा हमारा, आठवां, और दामोदर नदी घाटी जो निगम है ना, उस पर कितने बांध है, झारखंड में शिशु मृत्यु दर, ये रिपोर्ट छपा था, और रिपोर्ट छपा था तो अलग अलग जगह दिया हुआ था, हम अपना पुराना कॉपी का पूरा निचोड़ ला के आपको दिए हैं। 2016 में कितना था, 32, 2017 में कितना था, 29, 2019 में कितना था, 29, और 2020 में कितना रहा, 30, समझ में आया, ऐसे करके याद रखिएगा तब आपको याद रहेगा। तो याद रखिए 2016 में कितना, 16 दुना, उसके बाद 2 साल 17 और 19 कितना, 29, 29, और 2020 में कितना, 30, 2020 में कितना, 30। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में झारखंड का स्थान क्या रहा, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में झारखंड का स्थान क्या रहा, तो पांचवा, कौन सा स्थान रहा, पांचवा, जीवन प्रत्याशा सूचकांक में झारखंड का स्थान क्या रहा, 16वां, क्या रहा, 16वां, कितना स्थान रहा हमारा, 16। जीवन प्रत्याशा सूचकांक मतलब समझिए, जीने की इच्छा या जीने का जो आयु होता है ना, एक खास क्षेत्र में ज्यादा होता है। आप सुनते होंगे कि जापानी लोग बहुत ज्यादा जीता है, जापान का आदमी बहुत ज्यादा जीता है, उसके मामले में अफगानिस्तान के लोग भी ज्यादा जीते हैं, भले गोली ना लगे, वो लोग को गोली बम बारूद ना लगे तो बहुत लंबा तक जी जाता है वो लोग भी, है ना, और उनके अपेक्षा हम लोग थोड़ा सा कम है। तो जीवन प्रत्याशा दर हर जगह अलग अलग होता है, तो झारखंड का जीवन प्रत्याशा स्थान कितना है आपको, 16वां, कितना है, 16वां। अभी थोड़ा देरी आप पहले पढ़े कि शिशु मृत्यु दर 2016 में कितना था, 32, 2017 में कितना था, 29, 2019 में कितना था, 29, और 2020 में कितना था, 30। ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको जरूर याद रहेगा। झारखंड के लोगों की औसत आयु कितनी है, झारखंड के जो लोग होते हैं उनकी औसत आयु कितनी है, तो 66.6 वर्ष, कितना, 66.6 वर्ष, कहने का मतलब लगभग कोई 66.6 साल तक जिंदा रहते हैं। अगर यही प्रश्न भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा कितना, तो भारत का निकाला हुआ है तो कितना, 67.9, कितना, 67.9। प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन
के मामले में झारखंड का स्थान कितना था, झारखंड में जिलों का स्थान कितना था। प्रधानमंत्री आवास मिला ना सबको, को घरे घर घर मिला 2 लाख 2.5 लाख रुपया, शहर में गांव में थोड़ा सा कम मिलता मिलता है ना, तो इसमें पहला स्थान किसका था, रामगढ़, किसका था रामगढ़, दूसरा स्थान किसका था जामताड़ा, और तीसरा स्थान किसका था बोकारो, किसका था बोकारो। आपका अगला प्रश्न है, 2020 ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2020 में कौन था, झरिया, और दूसरा नंबर में सटल वाला धनबाद, दोनों सबसे प्रदूषित रहा। भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का स्थान क्या रहा, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के मामले में हमारा स्थान क्या रहा 2019 में, तीसरा, और राजस्थान का स्थान क्या रहा, पहला, मतलब भ्रष्टाचार के मामले में पहला में राजस्थान और तीसरा में झारखंड। अभी पूजा सिंघल पकड़ा ही ना सब, अभी पंकज मिश्रा पकड़ाया ना, अभी कितना बड़का बड़का मगरमच्छ लोग ऐसा है, अभी तो इधर उधर धावा बोलना है, डायरेक्ट धावा बोलेगा चारों तरफ तब ना बहुत मिलेगा। अभी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 15वां, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 15वां। नीति आयोग के द्वारा जारी गरीबी सूचकांक 2021 में सबसे कम गरीब जिला कौन है, सबसे कम गरीब जिला, तो पहला नंबर में कौन है, पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद कौन है रांची, और उसके बाद कौन है रामगढ़, सबसे पहले कौन, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में कौन है, जमशेदपुर, तो भैया वो अमीरे ना होगा, होगा कि नहीं होगा, दिमाग लगाइए। रांची में हम लोग तो भिकमंगा है, लेकिन लिख दिया सेकंड पोजीशन में, हम लोग तो गरीब हैं, बहुत गरीब, नौकरी से तलाचा रहे हैं। तीसरा नंबर में कहा है रामगढ़, सोच लीजिए कहा है, सीसीएल, 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 समझ लॉजिक को समझिए ना, आदमी वहां पर कम है और वहां पर जो खदान फदान है वो ज्यादा है, तो माल ज्यादा निकल रहा है, तो अमीरे ना हुआ रहे उसके मामले में, वहां पर बहुत खदान है। पूर्वी सिंहभूम में जाइएगा तो जमशेदपुर अकेले टिका देगा, है ना, और रांची तो जानबे कर रहे हैं, रुगड़ा खुखड़ी के लिए प्रसिद्ध। अगला, गरीबी सूचकांक में सबसे अधिक गरीब जिले कौन है, गरीबी सूचकांक में सबसे सबसे अधिक गरीब जिले कौन है, तो सबसे अधिक कौन है, चतरा, का है चतरा, का है तो चतरा का दरवाजा है लोग का, इसलिए ऐसे याद रखिएगा तब याद होगा, न तो यहाँ 24 को जिला गड़बड़ा जाइएगा, चतरा का दीवार होने के, चतरा का उन लोग का दूरा होने के कारण, दुआरी जलप्रपात कहाँ है, तो चतरा में, तो कैसे याद रखे, जिसका दूरा चतरा का होगा वही चतरा है, मतलब दुआरी जलप्रपात कहाँ, चतरा, बताए थे कि नहीं बताए, बताए, तो जिस इसका दरवाजा जो है वो चतरा का बना हुआ है, इसीलिए क्या है, गरीब है। दूसरा में क्या है, दुमका, क्या है आपका, दुमका, और तीसरा में क्या है, साहेबगंज। देखिए चतरा, दुमका, उसके बाद क्या, साहेब भी क्या है, गरीब हो गए हैं, साहेब लोग कहाँ हो गए, गरीब, तभी ना पैसा मांगते रहता है। तीसरा पोजीशन, अगर यही आपको, आपको उसको मतलब कहते हैं कि नेशनल लेवल पर एक जीएस का पेपर है कि नहीं हमारा, झारखंड जीएस का अलावा एक पेपर है, उसमें पूछ देगा कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, बिहार, कौन है, बिहार, सेकेंड नंबर पे कौन है, यूपी, और तीसरे नंबर पे कौन है, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत सुंदर, बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद 13 नंबर। स्वास्थ्य सेवा रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला, स्वास्थ्य सेवा रिपोर्ट के अनुसार कब, 2021 में झारखंड का स्थान क्या था, स्वास्थ्य के मामले में हम कौन स्थान पर आए, 13वां, कौन स्थान पर आए, 13वां, ताकि यहाँ पर सबका किसी का क्या ना हो, 13वां हो, 13वां मतलब समझते है ना, 13वां से बचना है हम लोग को, इसीलिए हम लोग किस पोजिशन में है, 13वां पोजीशन में, ताकि सबका 13वां ना हो जाए। पहला स्थान पर कौन है, केरल, सबसे शिक्षित राज्य भी कौन है, केरल, है ना, केरल है सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य। आगे, झारखंड बनने के बाद कितने लोगों को पद्मश्री मिल चुका है, झारखंड बनने के बाद कितना आदमी को पद्मश्री मिला है भाई, 22, अभी कौन साल चल रहा है आपका, 2022, तो 22 लोगों को पद्मश्री मिला। अब आपको लगेगा कि साग भतुआ सबको पढ़ ले, 22 को नहीं, जो आता है, जो आने का संभावना रखेगा उसी को पढ़ेंगे, बाकी को हम लोग दाएं बाएं करके विदा कर देंगे। सबसे पहले तो जानना होगा कि झारखंड बनने के बाद पहला आदमी जिसको पद्मश्री मिला, क्वेश्चन हो सकता है, क्या नाम था उनका, डॉक्टर परशुराम मिश्रा, क्या नाम था, डॉक्टर परशुराम मिश्रा, भूल जाइएगा,
हाँ भूल जाइए, हम आपको याद करवाते हैं। झारखंड में सबसे पहले कौन भगवान आए थे? परशुराम। अगर भगवान अवतार लिए तो सबसे पहले कौन आए? परशुराम। अपना टांगा गाड़ के गए, तब ना राम भगवान इधर से आया, तब कृष्ण भगवान आए। सबसे पहले कौन भगवान? परशुराम। टांगा गाड़ के गए तो उनसे पहला अवतार था। राम जी से पहला अवतार कौन था? परशुराम जी का, जो अपना टांगा टांगीनाथ पाशुपत संप्रदाय से संबंधित, जो बहुत सारा प्रश्न लेके आता है हमारे बीच में। दूसरा परशुराम भगवान आ गए। तीसरा, जब परशुराम जी आ गए तो तीसरा नंबर में कौन आएंगे? पंडित जी। दौड़ते तो पंडित जी कौन आए? गुरु श्याम चरण पति। कौन आए? श्याम चरण पति यहाँ पर पहुंचे। अब कैसे याद होगा भाई, आपको अभी बताएं हम लॉजिक, समझिएगा। परशुराम आए, परशुराम के बाद कौन आए? राम। और राम के बाद कौन आए? कृष्ण। आए ना यहाँ पर धरती में, झारखंड में आए ना। परशुराम, राम, कृष्ण आए कि नहीं आए? सेकंड नंबर हम लिखे हैं यहाँ पर, सेकंड नंबर जरूरी नहीं। थर्ड नंबर पे कौन आया? कृष्ण आया था ना। ऑप्शन में देखिए, आपके लिखे गुरु श्याम, श्याम मतलब क्या? कृष्ण भगवान का चरण आया। क्लियर है? और कब आए? 2006 में। ऐसे याद रखेगा तो याद रहेगा, नहीं तो गोलमाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे कहाँ? धोनी भैया के पास। कब आए धोनी भैया? 2009 में। 2009 में धोनी भैया को कहाँ मिला? पद्मश्री। 2010 में कहा किनको मिला? राम दयाल मुंडा को। आप प्रीवियस ईयर चेक कर लीजिए, ये कम से कम 5 बार आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन राम दयाल मुंडा 2010 में। इनके साथ एक क्वेश्चन आता है कि 2011 में कहा नामित हुए राज्यसभा में, और उसके बाद विदा हो गए दुनिया से, समझ में आया? 2010 में। उसके बाद किनको मिला? प्रेमलता अग्रवाल, जो चढ़ गई ऊंची चोटी पर, टाटा में काम करती है। टाटा का नाम टाटे नाम है ना जी, टाटा में, वो टाटा जमशेदपुर टाटा है ना, उसी कंपनी में काम करती है प्रेमलता अग्रवाल। कब मिला इनको? 2013। आप सर्च मार के देख लीजिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, आया हुआ। अगला, उसके बाद मिला दीपिका कुमारी को 2016 में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, किसी अंधरा को भी पूछेगा ना जो तैयारी कर रहा हो, बोलेगा कि नहीं आवल क्वेश्चन हो। अगला है आपको कहा सिमोन बाबा, यहाँ आजा जी हम लोग का बेड़ो का सिमोन बाबा, इनको भी कब मिला? 2016 में। तो सिमोन और ये क्या नाम है आपको, दीपिका, दोनों को एक ही साथ मिला था 2016 में। उसके बाद 2017 धतिंग तिंग 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 तिंग, कौन? मुकुंद नायक। कौन? मुकुंद नायक। तो आपको जो आपको 2017 में किनको मिला? मुकुंद नायक को। बनकेवरा में इनका एक कविता है, बनकेवरा जो आपको स्नातक लेवल का जो भी एग्जाम आ जाए उसमें इसको पढ़ना, दरोगा में पढ़ना है, आपका भी टीचर आएगा उसमें भी पढ़ना है इसको। कोयल कविता को लिखे थे मुकुंद नायक, और उसका राग क्या था? अंगनई। क्या राग था? अंगनई। जो अंगना में गाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंगनई। जनी लोग का अखरा कौन? अंगना। और मर्द का अखरा कौन? तो गांव का अंगना अखरा, बताएं लोक साहित्य में अच्छा से। तो कविता था, ओदे ओदे रे कोयल बने बोले ला, दुनिया कर तनमन मोहल मोहेला, कोयल बोले ला, याद आ रहा है ना। और एगो चीज आपको एगो हिंट बताए थे, जिस भी गीत में ओदे ओदे लगल रहेगा कौन झुमेर? जनानी झुमेर। कौन झुमेर? तो कौन झुमेर में है? जनानी झुमेर में, याद है ना। सरद जब गेल पर आए बसंत ऋतु नजकाए, धरती रंग धरेला हरियर देखी गछे गछ बैठेला, ओदे ओदे रे कोयल बोलेला, याद आ रहा है ना, यही था आपका। अगला, 2019 में किसको मिला? ब्लू इमाम। किसको मिला? ब्लू इमाम। देखिए मेरा वीडियो लंबा होगा, काहे हम आपको आराम से पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे जो बच्चों को दिए वो आपको भी दे रहे हैं, जो ऑफलाइन यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको दे रहे हैं, इसलिए आपको भी दे रहे हैं। एकदम आराम से याद करवाने के व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए लंबा जाएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। भागना है तो भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं हमको, नहीं भागिएगा आपका भला होगा, भाग जाइएगा, बाद में सोचते रहिएगा, बाद में टैग कर देगा यहाँ से 5 को क्वेश्चन आया हुआ था इस वीडियो से, आपको बता दे रहे हैं। 2019 में किसको मिला? ब्लू इमाम। ब्लू नहीं, ब्लू का नाम है ब्लू इमाम। अगला, 2019 में किसको मिला? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब बहुत कोई को लग रहा होगा इन्हीं के नाम पर मेरा कॉलेज है, तो गलत, इनके नाम पर आपका कॉलेज नहीं है, डॉक्टर है ये, डॉक्टर थे। कौन थे? यही शायद काटा टोली के आसपास में बैठते थे और 5 रुपया में इलाज करते थे, ये हैं डॉक्टर। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो तो कश्मीर के लिए लड़े थे, कश्मीर के लिए लड़े और वहीं पर कश्मीर में इनका हत्या उत्या हो गया था, जहर वहर खिलाया गया था, पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ नहीं किसी को नहीं पता, कैसे मरे पता नहीं चला। जो लाल बाग में नहीं बोले थे, यही बोले थे लाल बाग में जो झंडा हम लाल चौक में झंडा फहराएंगे, यही बोले थे। जो बाद में फोर्स बैठा दिया कि नहीं लाल चौक में झंडा नहीं फहरेगा, और आज तक वहां फोर्स बैठा लगे लाल चौक में झंडा
नहीं पर इंडिया का आर्मी वहां बैठल रहता है कि आप तिरंगा ना फहरा दीजिए। अब शायद स्थिति बदला है, मोदी जी हैं तो स्थिति थोड़ा सा बदला। 2019 में और एक जन को मिला, जमुना टुडू। किसको मिला? जमुना टुडू। अब देखिए किसको मिला, बुलू श्यामा और जमुना को, ये तीन जन को मिला। 2020 में किसको मिला, तो गुरु ससधर। किसको मिला? गुरु ससधर। ये आपके लिए करंट में एकदम नया है और ये आपका एकदम करंट हो गया, वो लगभग इतिहास है, ये आपका क्या है, करंट है। 2020 किसको मिला, गुरु ससधर आचार्य। ये लोग का चीज के, जहां गुरु लगा छऊ नृत्य, जहां गुरु लगा क्या नृत्य है, छऊ नृत्य। अगला है मधु मंसूरी फ्रॉम नया टोली सिमलिया। 2011 में इनको कहा मिला था, झारखंड रत्न। इनका एगो गीत था, देश छोड़ब नहीं राइट छोड़ब नहीं, इसके लिए भी इनको एगो पुरस्कार मिला है। और देश छोड़ब नहीं राइट छोड़ब नहीं भाटा जाब नहीं, ये गीत जो था, ये गीत कब लिखे थे, एग्जाम में आ चुका है। इसको आप कमेंट एरिया में भरिए, कमेंट एरिया में जाइए, क्या कीजिएगा, केवल मैं हम बकबक करेंगे उसको सुनिएगा, ऐसा नहीं है। आप कमेंट एरिया में भरिए, देश छोड़ब नहीं कौन लिखे आ चुका है क्वेश्चन, आपको बताना है कब लिखे थे और इसके लिए कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया, बहुत मायने रखता है, आता ही क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 में जिनको डाइन बिसाई करके सबको इनका पोपट किया, बाद में सबका पोपट लगा दी, इनका नाम क्या है, छुटनी देवी फ्रॉम सरायकेला खरसावा। अगला है 2022 जिनका बुक हम लोग पढ़े, नागपुरी लोक संगीत, इनका एक दो गो गीत भी पढ़ लिए है ना, एक दो गो कहानी भी पढ़े हम लोग बन के उरा में, गिरधारी राम गोंजू, गिरधारी राम गोंजू। 2021 में और एक व्यक्ति मरे थे, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, जिनका नागपुरी लोक साहित्य आप उत्पाद में भी पढ़ेंगे, सचिवालय में सब चीज में पढ़ेंगे, वो भी चले गए 2021 में। ये शायद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में गए थे, वो अप्रैल में गए थे इतना याद है। और 2022 में किनका हो गया, गिरधारी राम गोंजू। क्लियर हो गया इतना, चलिए आपका अगला प्रश्न है, 2021 में झारखंड के किस बच्ची को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, सबिता कुमारी। किसको मिला, सबिता कुमारी। कोई दिक्कत नहीं ना पद्मश्री में, चलिए एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं, हमको तो रिवीजन मरवाना है। पहला नंबर पर भगवान परशुराम, तीसरा नंबर पर कौन आए, तो श्याम चरण पति आए ना। 2009 में किनको मिला, धोनी। 2010 में किनको मिला, रामदयाल मुंडा। 2013 में किसको मिला, आपको लग रहा होगा कि भैया जेएससी जो एग्जाम लेने वाला है सचिवालय, इसमें तो हमको मेंस नहीं लेगा तो हम एकदम बच जाएंगे फाय फाय, ऐसा नहीं है। आपको लिख देगा नीचे में पद्मश्री दिए हुए लोग हैं और उनका इस भी दिया हुआ मिलान कीजिए। एक नंबर का एग्जाम रहेगा, एक नंबर का रहेगा क्वेश्चन, मतलब एक 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 क्वेश्चन रहेगा और पांच गो नाम ही नहीं और पांच गो इस भी ही नहीं, मेला आ जाएगा, मेला दिलों का आता है जगन्नाथ। 2009 में धोनी, क्या बोले, धोनी, याद रखिएगा, नीसे नाइन, नीसे नाइन। 2010 में रामदयाल मुंडा, रामदयाल मुंडा। 2013 में प्रेमलता अग्रवाल। और स्वास्थ्य सूचकांक में हमारा स्थान क्या रहा, 13वां। सबको घोड़ो मोड़ो लेते चलेंगे, इसने थोड़े छोड़ेंगे। 2016 दो बार है ना, एगो कौन है, एगो दीपिका है और दूसरा सिमोन, आजा सिमोन। उसके बाद कौन है, 2017 में कौन है, मुकुंद नायक। 2017 में कौन है, मुकुंद नायक। मुकुंद नायक को 2017 में क्यों मिला मालूम है, काहे कि बहुत खतरनाक बाजा बजाते हैं, 2017 खतरा, तो खतरनाक बाजा के बजाता है, मुकुंद, ऐसे ही याद कीजिएगा तब याद हो, ढेर नाम है, निकास याद होगा। 2019 में आप देखिए इसको कैसे याद करना है, जामुन का कलर कैसा होता है बाबू, ब्लू होता है ना, तो जामुन जमुना हुआ कि नहीं, जमुना कैसा है, ब्लू है और खाने के गया है श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बोल रहे हैं सब कोई को, ब्लू वाला जामुन खाइए, कब बोले, 2019, ऐसे याद रखेगा तब याद होगा। अब कोई माइका लाल तुमको भुलवा दे तब हम देखें उसको, आगे हम जान के इसीलिए पढ़ा लिए है ना, पढ़ा लेंगे तब ना ट्रिक देंगे तो याद होगा, याद रखेगा क्या बोले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2019 में, सब ब्लू जामुन खाएगा, कौन जामुन खाएगा, ब्लू वाला जामुन खाएगा। अगला क्या है, गुरु ससधर आचार्य कब, 2020। और मधु मंसूरी कब, 2020। अब मधु मंसूरी गीत गाएंगे तब ना, पनिहारीन वाला गीत क्या लिखा है बन के ओरा में, मधु मंसूरी गीत गाएंगे तब ना छऊ नृत्य करेंगे, छऊ नृत्य देखें कि नहीं देखें, शादी ब्याह बोला है कि नहीं, केवल वही डीजे गाड़ी वाला को बुलाते हैं का, ढंग ढिंग ढंग ढिंग धड़ंग धड़ंग करता है उसको,
हम लोग का गांव में जब हम लोग का शादी होता है छऊ वाला आता है, हमारे घर में छऊ वाला को ही बुलाते हैं। दीदी का शादी हुआ था छऊ वाला को पूरा गांव पलट गया देखने के लिए, पूरा हा हू। अभी भी वीडियो होगा, दिखा सकते हैं, यूट्यूब में डाल देगा दीदी का शादी वाला भाग रहे, वो अपना फिल्म है, सब अपना अपना देखेगा मार वो यहाँ सर। 2021 में के छुटनी देवी कौन? छुटनी देवी। और 2022 में कौन? गिरधारी राम गंजू। इसको तो यादें रखना तुम लोग, कोनो आए चाहे नहीं, इसमें हमको डाउटे अब रे ये वाला जरूर आएगा। उसमें नहीं आएगा ना तो हिंदी जो नागपुरी वाला है ना उसमें कहीं घुसड़ा ना दे, जरूर आएगा। क्या है 2021 में झारखंड के किस बच्ची को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? सविता कुमारी। यार सविता क्लास नहीं आई है का? मान बच गई। निदान सम्मान, कौन सा सम्मान? निदान सम्मान 2020 में कोलकाता की संस्था नीलांबर द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? मधु मंसूरी को। कौन संस्था दिया? निदान। कौन संस्था? नहीं नहीं, नीलांबर संस्थान का क्या नाम है? नीलांबर। और सम्मान का क्या नाम है? निदान सम्मान 2000। चलिए अगला, डेयरी वुमेन 2020 का पुरस्कार किस महिला को मिला? मतलब डेयरी वुमेन मतलब का, यहाँ ये जो गाय का पालन किया यहाँ से बहुत दूध निकलता है, तो किनको मिला? निकिता कुमारी। और 2019 में किसको मिला था? बबीता कुमारी। किसको मिला था? अब देखिए, अब थोड़ा सा पीछे लौटते हैं, पीछे लौटेंगे तभी याद होगा। 2021 में बाल पुरस्कार किसको मिला? सविता कुमारी। ठीक, अब इधर आइए, 2020 में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन? सो 2019 पहले पढ़ लीजिए, 2019 में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन की? बबीता कुमारी। और उसके बाद 2020 में कौन कर दी? निकिता। कोई दिक्कत? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किसको मिला? हेमंता सोरेन। और दूसरा कौन है? गीता कोड़ा। गीता कोड़ा। हेमंत सोरेन कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो दुमका और बरहेट दोनों से। फिर दुमका का सीट अपना भाई के लिए छोड़ दिए, दुर्गा सोरेन के, दुर्गा नहीं तो दुर्गा तो चले गए, बसंत सोरेन के चलती है ना। और गीता कोड़ा जो है ये संसद है, सांसद है, किस पार्टी से? कांग्रेस से। ऐसा भी पूछता है किस पार्टी से, कोई मतलब कोई विधायक का कोई किसी का नाम दे देगा, आपको बताना होगा तो कौन सा अथी के हैं, ये कांग्रेस पार्टी की हैं। और कहाँ से लड़ती हैं चुनाव? पश्चिमी सिंहभूम। ऐसे संसदीय क्षेत्र का नाम होता है सिंहभूम। क्या नाम होता है? सिंहभूम। जैसे कि रांची लोकसभा सीट बोलते हैं लेकिन पहुंच जाता है सरायकेला खारसावां तक, पहुंचता है ना, तो रांची बोल रहे हैं लेकिन संसदीय सीट कहाँ तक है? हुआ तक। इधर जाइएगा तो कहाँ तक? भरनो तक, लोहरदा का ठेका ठेकी हो जाता है, कहीं कहीं लगा लोहरदा को घुस जाता है, नहीं घुसता है गुमलो घुस जाता, घुसता है ना। उसी प्रकार से गीता कोड़ा को कहेंगे संसदीय सीट क्या होगा? सिंहभूम। लेकिन ऐसे बोलेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम। अगला, किसका बीबी है? मधु कोड़ा। राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार झारखंड के किस बांध को मिला है? तो बोरी बांध। कौन बांध को मिला है? बोरी बांध। और बोरी बांध कहाँ है? खुट्टी में। कहाँ मिला, किसको मिला है? बोरी बांध। और कहाँ है? खुट्टी में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कौन सा प्रकाशन है? तो 17वां। कौन सा प्रकाशन है? 17वां। भारतीय पर्यावरण वर्ष जलवायु मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। झारखंड में वन का विस्तार कितना है? तो वन का विस्तार कितना है देखिए, कितना है? 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में घना जंगल क्षेत्र कितना है? तो 2601.05 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में मध्यम वन का क्षेत्र कितना है? तो 9688.91 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में खुला वन का क्षेत्रफल कितना है? तो 11431.18 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्या है, झारखंड का वन क्षेत्रफल 29.62% से बढ़कर कितना हो गया? तो कितना हो गया? 29.76। अब इतना आप लिखें, इतना आप सुने, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो यही वाला। कौन? झारखंड का वन क्षेत्रफल 19.62 से बढ़कर कितना हो गया? 29.76। आप कोई भी पूछ सकता है कि 2019 का रिपोर्ट के अनुसार 2021 का जो रिपोर्ट आया, ये वाला रिपोर्ट जो है, इसमें कितना वन बढ़ा है पिछले दो साल की अपेक्षा? तो ये घटा के आप देख लीजिए, 62 से कितना जाना है आपको? 76। उधर 8 बचा, उधर कितना बचा? 6, 8 और 6 कितना हो गया आपका? 0.14% का बढ़ोतरी हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर वाला को भी ध्यान दीजिएगा। 2019-21 में सर्वाधिक वन का विस्तार किस जिले में हुआ? गढ़वा। कहाँ हुआ?
गढ़वा कितना वर्ग किलोमीटर? 40.13 वर्ग किलोमीटर। अब एक चीज जान लीजिए, पॉइंट के बाद जो 13, 12, 11 लिखते हैं ना, आपको ऑप्शन में बना के देगा 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे लिख के देगा, एकदम पॉइंट के बाद एकदम एक्यूरेट याद कीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, 40.13 ऐसे करके सटा के नहीं देगा, जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए, जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए, एक एक पॉइंट घसकाया। जैसे यहाँ पर 40.13 लिखा ना, 40.11, 12, 13 ऐसे करके दिया था क्वेश्चन, इसीलिए पूरा पॉइंट के बाद एकदम एक्यूरेसी में जाइएगा, नहीं तो हो जाएगा आपका गलत। और कहाँ है सबसे कम विस्तार, किस जिले में हुआ है? गढ़वा। कहाँ? यहाँ पर आपको गढ़वा में, गढ़वा बोलते रहते, मतलब गोड्डा बोलते रहते, गोड्डा जो है वहां पर सर्वाधिक कम विस्तार हुआ। यहाँ पर क्या बोला आपको? सबसे ज्यादा विस्तार, क्या बोला आपको? सबसे ज्यादा विस्तार किसका हुआ है जंगल के मामले में? तो गढ़वा का। और सबसे कम किसका होगा? तो हो जाएगा गोड्डा का, जो आगे प्रश्न में भी है। 2019-21 में झारखंड में वन की वृद्धि कितना दर्ज की गई? तो झारखंड में कितना दर्ज किया गया? 109.73 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना? 109.73 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में वन की वृद्धि शून्य रहा है? कौन सा जिला में शून्य रहा? वही गोड्डा गढ़वा, पर गलती कर रहे थे ना। सबसे ज्यादा बढ़ा है कहाँ? गढ़वा में। और सबसे कम बढ़ा है कहाँ? गोड्डा में। मतलब कि बढ़ा ही नहीं है, शून्य रहा। किसका? गोड्डा का। अगला है, 2019-21 में किन जिलों का वन क्षेत्र घटा है? तो किन जिलों का वन क्षेत्र बढ़ा है? सबका बढ़ रहा था, चलिए कम से कम गोड्डा क्या किया? गोड्डा अपना वन को उतना ही रखा जितना था, लेकिन ये लोग माइनस में चल गए। सबसे पहले कौन? लातेहार। उसके बाद कौन? लोहरदगा। उसके बाद कौन? पाकुड़। उसके बाद कौन? कोडरमा। तो दो गो ला 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 करके कम कर लिया, और दूसरा क्या है? पाकुड़। और तीसरा कौन? चौथा कौन है? कोडरमा। सर्वाधिक 1% वाले जिले झारखंड के किस जिले, कौन सा जिला है? सर्वाधिक 1% वाले झारखंड के जिले कौन है? एक है लातेहार, दूसरा है चतरा, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे कौन है? लातेहार। सेकंड में कौन आया? चतरा। पहले कौन था? चतरा। अब लातेहार क्या हो गया? सॉरी, चतरा क्या हो गया? पीछे। और लातेहार क्या हो गया? आगे। उसके बाद कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। अभी चतरा के बारे में कुछ बताया था आपको, दुवारी जलप्रपात कहाँ बताए थे? चतरा। और क्या बताए थे? सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है? चतरा में। कहाँ है? चतरा का दूरा लगाता है, बताया था कि नहीं? हाँ। न्यूनतम 1% वाले झारखंड के जिले कौन है? एकदम कम प्रतिशत वाला, न्यूनतम वाला। हाँ, तो बोलेगा न्यूनतम 1% वाले झारखंड के जिले कौन है? तो जामताड़ा। पहले कौन था मालूम है? देवघर। पहले कौन था? देवघर था। अब कौन हो गया? देवघर को पछाड़ के आगे निकल गया कि मेरे पास कम जंगल रहेगा। हाँ, मेरे पास जंगल कम रहेगा। कौन? जामताड़ा। उसके बाद कौन हो गया? देवघर। उसके बाद कौन हो गया? धनबाद। जामताड़ा का विधायक कौन? इरफान अंसारी। नहीं बोलते रहता है दिन भर, रोज दिन एगो वीडियो आइए जाता है, कुछ काम का बोले तो कुछ बातों है, तो केवल बीजेपी उसका मुंह से सुनिएगा, डेली बीजेपी से नहीं चलता। हम लोग का खाना चलेगा कब? बीजेपी का गाली सुना के नहीं चलेगा। हमारा खाना कब चलेगा? जब आप रोजगार के लिए मुख्यमंत्री को पिंच करते रहेगा कि मुख्यमंत्री जी रोजगार दीजिए बच्चों को। बीजेपी का कह के क्या होगा? केवल एक खास वर्ग का वोटर लीजिएगा, परीक्षा लिखने वाला वोटर आपको थोड़े वोट देगा, नहीं देगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद कौन है? लातेहार। उसके बाद कौन है? चतरा। आप मैप में जाइएगा ना, तो पश्चिमी सिंहभूम वैसे बड़ा दिखता है। अब वहाँ कहाँ है वन क्षेत्रफल ज्यादा? सारंडा का जंगल कहाँ हो रही? वही होगा, और कौन होगा? चल, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है? वही जामताड़ा, इरफान अंसारी। जामताड़ा दूसरा नंबर पे कौन? देवघर। और तीसरा नंबर पे कौन? धनबाद। अभी तो यही रिपीटेशन में आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? देखिए अभी बताते हैं, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है? यही आंसर है, सेम आंसर। देखिए यहाँ पर न्यूनतम 1% वाले जिले में भी कौन है? वही सीरीज में जामताड़ा। सेकंड में कौन? देवघर। और थर्ड में कौन? धनबाद। तो दो क्वेश्चन का एक आंसर, न्यूनतम प्रतिशत पूछा, 1% पूछा, या फिर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पूछा, दोनों का आंसर वही होगा, जामताड़ा, उसके बाद क्या? देवघर। उसके बाद क्या? आगे है, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन है? वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले, वन क्षेत्रफल कहाँ बढ़ा सबसे ज्यादा? तो ऐसे भी सबसे ज्यादा कहाँ पाया गया है? गढ़वा में। अभी आप पढ़े ना, कितना प्रतिशत बढ़ा बाबू? 40.13। कितना? 40.13% बढ़ा, है ना। तो उसी प्रकार से आपको बताना है, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन है? गढ़वा। कौन है? गढ़वा। गढ़वा के बगल में कौन?
पलामू, अब पलामू के बगल 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 में है सबासे पास में कौन, हजारीबाग, इन तीन जगह में बढ़ा है क्षेत्रफल। सर्वाधिक अति सघन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है, अति सघन, अति सघन मतलब का एकदम घनघोर, मतलब घुसने के लिए आपको गच से गच से टकरा के जाना होगा। पहला में कौन, लातेहार, दूसरा कौन, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद कौन, गुमला। सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन, सर्वाधिक क्षेत्रफल वन कहा, पश्चिमी सिंहभूम का है, सारंडा का जंगल, ट्रिक से याद कीजिए दिमाग में रहेगा। अगर आपको बोलेगा अति संघर्ष जंगल कहाँ है, तो कहाँ है, लातेहार, का है, पार्टी वाला ज्यादा रहता है, पार्टी वाला मतलब कौन, डीजे, डीजे नहीं, नक्सली पार्टी वाला, हाँ वहाँ पर ज्यादा रहता है, इसीलिए वहाँ पर सघन वन है, जंगल के जाएगा, बोला मुड़ी काट वाले नहीं तो घेचा गए, जंगल उंगल नहीं काटना, इसीलिए वो लोग बचाता है जंगल को, कहे कि वही उनका क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से नहीं, आवास की दृष्टि से, वो उनका क्या है, आवास है, कहना। उसके बाद कौन, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद कौन, गुमला। न्यूनतम अति सघन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है, न्यूनतम अति सघन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है, तो पहला न्यूनतम बोल रहा है, एकदम कम, तो सबसे कम जंगल कहाँ है रे, पाकुड़ में, तो पाकुड़े से ना शुरू होगा, पाकुड़, उसके बाद कौन, गोड्डा, उसके बाद कौन, साहेबगंज, लेकिन गोड्डा में ज्यादा जंगल है, लेकिन सघन नहीं है। सघन मतलब क्या होता है, एकदम कोचा कोची, और अति, आपको अति सघन, सॉरी सॉरी, अति सघन का मतलब क्या हो, अति सघन से थोड़ा सा कम, मतलब न्यूनतम अति सघन, सघन वहां पर नहीं है। अगला, सर्वाधिक खुले वन, क्या बोला, खुला वन कहा है, तो सारंडा, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। सेकंड में कौन, सिमडेगा, उसके बाद कौन, गढ़वा, उसके बाद कौन, गढ़वा, ये तीन जिला है, तीनों जिला का नाम याद रखिएगा, खुला वन पूछता है। न्यूनतम खुले वन, न्यूनतम खुले वन तो कभी हम देखे नहीं है, है ना। अब यहाँ पर न्यूनतम खुले वन में कौन है, जामताड़ा, पाकुड़, लोहरदगा, देखिए जामताड़ा बार बार आ जा रहा है खराब चीज में, माइनस में, अधिकतर जगह पर जामताड़ा आ जा रहा है ना, इसको विकास का जरूरत है। इरफान भैया को बोलिए, भैया ये सबसे नहीं चलेगा, जंगल को बढ़ाइए, शेर पालिए अपने यहाँ। झारखंड के ऐसे जिले जहाँ कोई अति सघन वन नहीं पाया जाता, झारखंड के ऐसे जिले जहाँ पर कोई भी अति सघन वन वन नहीं पाया जाता, फिर देखो जामताड़ा ये हो यहाँ पर, फिर भी धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, तो इसको विकास की आवश्यकता है, सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, है ना। किस चीज़ में आगे रह गया, साइबर क्राइम में, कि अच्छा आपका एक OTP आया होगा, एक नंबर आया, नंबर दीजिए, ये सब गलत बात है ना। तो अब सुने हैं कि सरकार इन लोगों को पुनर्वास योजना के तहत लाने जा रहा है, तो हम लोग भी यही सब करेंगे, हम लोग को लाइए पुनर्वास योजना में। ऑपरेशन मुस्कान क्यों चलाया गया, तो लापता बच्चों को ढूंढने के लिए, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। अगर वन वाला आपको याद नहीं हुआ होगा ना, तो टेंशन मत लीजिए, उसको हम ट्रिक लेके यहाँ पर, तो 151 क्वेश्चन है यहाँ पर, सारा ट्रिक देने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, हमको भी पढ़ाने में बहुत दिक्कत, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एगो अलग से वीडियो हम बना के देंगे, क्या कि झारखंड का एग्जाम है, नाम है झारखंड, झाड़ियों की भूमि, मतलब जंगल की भूमि, तो इसका एक अलग से वीडियो आपको देंगे, उसमें पूरा ट्रिक वाइज आपको बताएंगे, एक एक चीज याद करवा देंगे। ऑपरेशन मुस्कान क्यों चलाया गया, तो लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। पहले एक ऑपरेशन मुस्कान चलता था, जो ओंठ कटता था ना बच्ची लोग का, बच्चा बच्ची लोग का, नहीं ओंठ कट जाता था, उसके लिए चलाया जाता था। ऑपरेशन धनवंतरी क्यों चलाया गया, तो धनवंतरी किसके गुरु थे, आयुर्वेद के गुरु थे, आयुर्वेद के जानकार थे, है ना, जो जिनका राजभवन में आपको फोटो लगा हुआ है, नहीं राजभवन हमारा नक्षत्र वन रहे, नक्षत्र वन है ना, नक्षत्र वन उसको बोलते हैं, राजभवन बोलते हैं, वहाँ पर सोए हुए मुद्रा में नहीं है भगवान बुद्ध की तरह, उनका पद वहाँ पर बनाया हुआ और वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ लिखा हुआ, नास्ति मूलम अनौषधम, बिना मूल का कोई, बिना जड़ का कोई औषधि नहीं होता, देखे होंगे राजभवन, केवल इसमें घूमने चल गए, पढ़िए कुछ कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर, राशि के हिसाब से पेड़ लगा हुआ है, क्या है, नकली दवाओं के प्रतिबंध के लिए। अगला है, ऑपरेशन जस्टिस क्यों चलाया गया, आपका अगला प्रश्न क्या है, ऑपरेशन जस्टिस क्यों चलाया गया, तो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए। अब यहां पर प्रश्न उठ के आता है कि हम जस्टिस वाला क्वेश्चन पहले नंबर पे ही देख चुके हैं, आपको प्रश्न था कि झारखंड का जस्टिस के मामले में कौन स्थान है, तो आठवां स्थान है, कौन सा स्थान है, आठवां, और इसके मामले में अगर देखा जाए जस्टिस के मामले में पहला स्थान पर कौन राज्य रहा, तो कौन राज्य था, महाराष्ट्र, कौन था, महाराष्ट्र, वहां पर शायद नहीं बताते, यहां पर बता दे रहे, पहला स्थान पर कौन था, महाराष्ट्र, और झारखंड का स्थान कौन था, आठवां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन जंगल कहां चलाया गया, ऑपरेशन जंगल जो है वो कहां चला, गढ़वा में, कहां चला, गढ़वा में, सर्वाधिक वन का घनत्व कहां है, कहां है, गढ़वा, इसीलिए ऑपरेशन जंगल भी कहां चला, गढ़वा में। आगे ऑपरेशन डबल बुल, क्या बोल रहा है, ऑपरेशन डबल बुल मतलब सांड, बुल मतलब सांड, कहां चला,
तो लोहरदगा में कहाँ चला, जंगल में। जंगल कौन था, बुलबुल जंगल। और दूसरा चला लोहरदगा से सटले लातेहार, कौन जंगल में, कुनकी जंगल। कौन जंगल में, उसके बाद है ऑपरेशन जाल और ऑपरेशन खोज कहाँ चलाया गया, ऑपरेशन जाल और ऑपरेशन खोज कहाँ चलाया गया, लातेहार में। कहाँ चलाया गया, लातेहार में। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। देखिए जाल कहाँ बिछाते हैं, लतरा में। कहाँ बिछाते हैं, लतरा में। मूसा कहाँ खोजते हैं, लतरा में। कहाँ खोजते हैं, लतरा में। लतरा मतलब लातेहार, ऐसे याद कीजिएगा तो याद होगा, नहीं तो भूलिए। ऑपरेशन एनाकोंडा, ऑपरेशन एनाकोंडा वन, ऑपरेशन एनाकोंडा टू कहाँ चलाया गया, तो एनाकोंडा सारंडा, एनाकोंडा सारंडा, खत्म। कहाँ है सारंडा वन, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज्यादा आपको जंगल कहाँ है, सबसे जंगल का क्षेत्रफल कहाँ मिला, पश्चिमी सिंहभूम में। सारंडा सारंडा बोल रहे हैं कि नहीं, बार बार बोल रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर सारंडा है, तो सारंडा को एक बार रिकॉल कर लीजिए। सारंडा 700 पहाड़ियों का जो जंगल है, वो कौन सा जंगल है, 700 पहाड़ियों का जंगल किसको कहा जाता है, सारंडा को। 700 पहाड़ियों का समूह है कौन, सारंडा। आपको 2020 का रिपोर्ट आया, 2020 के रिपोर्ट के अनुसार था कि सबसे ज्यादा मलेरिया किस जिले में हुआ, तो पश्चिमी सिंहभूम में। काहे, जंगल घना है, मच्छर घना है। जंगल होने के कारण क्या है, मच्छर है, खतरनाक मच्छर है। इस कारण से 2020 में सर्वाधिक जो प्रभावित, मलेरिया से प्रभावित जिला था झारखंड का, वो कौन था आपको, सारंडा के कारण कौन हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। समझ में आया। और दूसरा क्या है, आपको एक प्रश्न उठकर आ सकता है, आया है कि नहीं आया नहीं पता, कि यहाँ पर पक्षियां, सबसे ज्यादा पक्षियां किस जंगल में, झारखंड के किस जंगल में पाई जाती है, यही जंगल है। कौन जंगल, सारंडा वन। और यहीं पर पक्षियों का क्या होने वाला है, गणना। पक्षियों का क्या होने वाला है, गणना होना है। पक्षियों का बहुत ज्यादा प्रजाति भी यहीं पर पाया जाता है, याद रखिएगा। सारंडा, सारंडा का मतलब क्या होता है, 700 पहाड़ियों का समूह। क्लियर, चलिए आगे। 2019 चुनाव में कितने मतदाता थर्ड जेंडर वाले थे, मतलब जो थर्ड जेंडर समझ रहे, हिजड़ा जिसको बोलते हैं, उस जेंडर के थे, तो 248, कितने, 248 लोग थर्ड जेंडर के थे। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे ज्यादा गे, गे मतलब क्या होता है, समलैंगिक। समलैंगिक मतलब क्या होता है, लड़का का अट्रैक्शन लड़का की तरफ होगा, लड़की का अट्रैक्शन लड़की की तरफ होगा। सबसे ज्यादा गे या समलैंगिक किस कंपनी में काम करते, दुनिया में, तो कौन सा कंपनी था, टाटा। कौन कंपनी था, टाटा। लगभग 45 को था, कितना था, 45। झारखंड में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या क्या थी, दिव्यांग मतलब क्या, जो एक अंग, जिनका एक अंग क्या रहता है, भंग रहता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दिव्यांग। मोदी जी ये नाम दिए थे कि कोई लंगड़ा लुल्हा इनको नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, इनको अपंग भी कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, दिव्यांग। तो इनका संख्या क्या था, आपको बोलिए, 6,17,374। ये इंपॉर्टेंट, कुल मतदाता नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर जरूर पूछेगा कि कितने लोग थर्ड जेंडर वाले थे और कितने लोग दिव्यांग थे, विकलांग भी नहीं, दिव्यांग। 2019 चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त होता है कौन थे, है ना, 2019 में चुनाव हुआ ना, जिसमें हमारे हेमंत बाबू आके सीएम बन के गद्दी से चिपक गए, तो कौन थे, सुनील अरोरा। क्या नाम था, सुनील अरोरा। और चुनाव आयुक्त कौन थे, अशोक लवासा। कौन थे, अशोक लवासा। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुशील कुमार। कौन थे, सुशील कुमार। आपका 54 नंबर है, वर्तमान झारखंड में कितने अल्पसंख्यक विधायक हैं, अल्पसंख्यक विधायक है, तो तीन वो, एगो कौन, आलमगीर आलम, ये ग्रामीण मंत्री है। कौन मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री है ना, है कि नहीं है, हाँ। कहां से चुने जाते हैं, पाकुड़। कहां से चुने गए हैं, पाकुड़। दूसरे हैं इरफान अंसारी, ये कहां से हैं, जामताड़ा, जिनके बारे में अभी हम बताएं। उसके बाद कौन है, हफीजुल अंसारी, कहां से चुने गए, वही हाजी अंसारी का बेटा है ना, वही है जो आपको कहने का मतलब, चुनाव जीते भी नहीं थे है ना, चुनाव लड़े भी नहीं थे, और इनको क्या बना दिया गया, मंत्री। क्या बनाया गया इनको, मंत्री। सबसे अधिक वोटों से 2019 का चुनाव किसने जीता, तो यही आलमगीर आलम, अभी पढ़े ना बाबू, पाकुड़ से आलमगीर आलम यही जीते। कितना वोट से जीते, तो 65,108 वोट से जीते। कहां से जीते, पाकुड़ से। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम वोट से कौन जीता, सबसे कम वोट से 2019 का चुनाव हुआ कौन जीता, तो एक नाम है आपको भूषण बाड़ा। क्या नाम इनका, भूषण बाड़ा। और कहां से जीते थे,
सिमटे का, और कितना वोट से? 285। कितना वोट से? 285। एक क्वेश्चन और आता है, एक बात और भी आता है कि एक नाम भूषण तिर्की भी मिलेगा। एक नाम आपको क्या मिलेगा? भूषण तिर्की। और भूषण तिर्की अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन में रहेगा तो पट ले मत मार दीजिएगा। भूषण तिर्की कहाँ से जीते हैं? गुमला। कहाँ से जीते हैं? गुमला। दो विधायक का एक ही नाम है, टाइटल अलग है। भूषण बाड़ा, भूषण तिर्की। एकदम ऑप्शन को ध्यान से देख के मारे, हड़बड़ में गड़बड़ होगा। अकबकाल चुटिया माड़े में, सुने है ना? हाँ, 285 वोट से। और कितना थर्ड जेंडर वाले लोग थे? 248। वही लोग दिया था का? सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रत्याशी उठे थे? ईचागढ़। कहाँ उठे थे? ईचागढ़ में। कितने लोग उठे थे? 31 लोग। कितने लोग? 31 लोग। देखिए, ई से ईचा, ई से 31, याद रहेगा ना? ई से ईचा, ई से 31। एग्जाम रूम में घुसिए, 21 हो जाएगा अपने आप। एग्जाम रूम में घुसिएगा ना, 21 अपने आप होगा, 41 भी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो ई करते रहिएगा और लास्ट में ई से ई खाते घर आइएगा। सबसे कम प्रत्याशी किस विधानसभा क्षेत्र से थे? सरायकेला। कहां से? ससे सरायकेला, और ससे सात। ससे सरायकेला और ससे सात। अगर 17 होगा तो ज्यादा हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है? ससे सरायकेला और ससे सात गो, 17 नहीं, सात गो। गांजा पीना नहीं है, गांजा को अभी भोले बाबा को चढ़ाना है, पी के क्लास नहीं आना है अभी। हाँ, पांचवे विधानसभा में कितने विधायक पहली बार बनकर आए? कितने विधायक? 22 को। कौन साल चल रहा है? 2022। कितने लोगों को अभी तक पद्मश्री मिला है हमारे राज्य का? 22 लोग। कितने लोगों को? 22 लोग। और कितने लोग पांचवे विधानसभा मतलब 2019 में चुन के आए हुए? 2022 तक में कितना आया है? और एगो को जोड़ लीजिएगा, नई लड़की आई है, कितने हो गए? हाँ, लेकिन वो विधानसभा में कितने आए, तो जो चुनाव हुआ था उस समय कितने आए थे? 22। कितने आए थे? चलिए, झारखंड के किस मंत्री ने संस्कृत में शपथ लिया? बोला, अहम करी से शपथ, अनंत ओझा। कौन? अनंत ओझा। इनामे पंडित जी तो नहीं लेंगे, है ना? और ये कहां से आते हैं? राजमहल। पंडित जी कहां से निकले थे? राजमहल से निकल के संस्कृत पढ़े। आगे, 2020 में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कहां के विधायक थे? कहां? नाला। कहां? नाला। अब आपको जानना है नाला कहां है? जामताड़ा। कहां है? जामताड़ा। और ये विधायक कहां से बने? जामताड़ा नाला क्षेत्र है, जामताड़ा जिला है, वहां से विधायक बने हैं। कौन? हमारे रविंद्रनाथ महतो। देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जहां हिंदी में पढ़ाई होगी, क्या नाम है उसका? NIT जमशेदपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। बोलेगा, खुरपी लाओ, खुरपी को, खुरपी का आयत बताइए, क्षेत्रफल बताइए, इसे करके बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अगला, जैक के अध्यक्ष कौन है? तो जैक के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनिल कुमार महतो। कौन है? डॉक्टर अनिल कुमार महतो। और उपाध्यक्ष कौन है? विनोद सिंह। कौन है? विनोद सिंह। कहीं शिक्षा मंत्री का जान पहचान वाला तो नहीं ना? महतो महतो दिख रहा है, जगन्नाथ महतो का जन पहचान वाला नहीं ना? पेपर पर भी कुछ दिया नहीं ना वैसा? नहीं तो लोगों बहुत चलता है, जैसे अमित शाह का बेटा क्रिकेट का में क्या बन गया, इतना बड़का शरीर है, हाथी जैसा शरीर, अध्यक्ष की कोई कुछ चीज बना हुआ, BCCI में बना हुआ है ना, जानते हैं ना? हाँ, ये लोग बहुत मंत्री संतरी लोग बहुत तेज होता है बाबू, अपना बाल बच्चा को एकदम फिक्स कर देता है मलाई जगह पे, और हम लोग साला नौकरी चाकरी के लिए भटक रहे हैं इधर उधर। झारखंड का कौन सा पंचायत देश में तीसरे स्थान पर रहा? तो कौन सा? जरबा। कौन सा पंचायत? जरबा पंचायत। हाँ, आगे, पेट्रोल सब्सिडी योजना का आरंभ कब हुआ? 26 जनवरी 2022। कब हुआ? 26 जनवरी 2022। पूर्वी भारत का पहला और देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ की जाएगी? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम मतलब आप समझ रहे हैं जमशेदपुर का एरिया, जमशेदपुर जिसका क्या है? मुख्यालय है, समझ में आ रहा है ना? वहां 2022 में किस चित्रकला को GI टैग मिला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला? तो 2022 में किसको मिला? कोहबर को। किसको मिला? कोहबर को। कोहबर जानते हैं ना, जो गुफा में डिजाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोहबर। कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा। जब दूल्हा को गुफा में रखा जाता है
शादी होके लाता है ना कन्या को, 6 दिन 5 दिन के लिए उसको गुफा में छोड़ दिया जाता है और खाना उना दिया जाता है, बोलते बोला जाता है कि फ्रेश होने के लिए बाहर आना और कुछ के लिए दिन भर तुमको कहाँ रहना, रूम भीतरे, उसी को बोलते हैं कोहबर। क्या बोलते हैं? कोहबर। और हम लोग का भी जब शादी ब्याह होता है तो घर में देखिएगा कोई ड्राइंग बनाया रहता है, घर बनाया रहता है और उसमें होलिका वेट्स फलना लिखल रहेगा, उसमें लिखल रहेगा और उसमें देखिएगा बना देगा जूता चप्पल को सजा देगा, बोले ननिया नया कनिया को पूजा करवाता है वहाँ, और फिर बोलता है देखिए आप जूता का पूजा कर रहे थे सब कोई का, बोलता है ना उसको भी का पूजा बोलते हैं कोहबर पूजा। देखें कि नहीं देखें? नहीं होता है हमारे यहाँ, होता है कोहबर पूजा, घर में देखिएगा बना हुआ होगा, वो रूम में जहाँ रूम में घुसते हैं ना आप लोग, देखें वहाँ पर लिखा हुआ बना हुआ है। आगे उत्कृष्ट विधायक 2021 किसको दिया गया? 2021 में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किसको मिला? रामचंद्र चंद्रवंशी। और 2019 में किसको मिला था? शिकारी पाड़ा के विधायक कौन? नलिन सोरेन। कल बताया ना वीडियो में, पुराना वीडियो में। आगे झारखंड का पहला सोलर सिटी कौन बनेगा? अरे भैया सोलर सिटी कौन बनेगा? गिरिडीह। अब देखिए आप भूल जाएंगे बहुत, गिरिडीह जामताड़ा पामताड़ा सब आ रहा है, दिमाग गड़बड़ा जाएगा, गिरिडीह में काय बनेगा? काहे कि सूरत से नजदीक वही है ना, सबसे ऊंचा पहाड़ी कहाँ है? वही है, तो इसीलिए वहीं पर प्लेट लगाया जाएगा, वही पहाड़ में लगाया जाएगा, सूरज की रोशनी जल्दी उसको पकड़ेगा, इसलिए दिमाग में आपको फिट कर लेना है, ठीक है, गिरिडीह में बनेगा। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? TAC, लिख देगा TAC है ना, तो गड़बड़ाइएगा मत। काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? तो हमारे मुख्यमंत्री साहब होंगे, अध्यक्ष मतलब कि अब जब भी TAC बनेगा, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जब भी बनेगा, उसका हेड कौन रहेगा? मुख्यमंत्री है ना, और उपाध्यक्ष कोई और भी बन सकते हैं, लेकिन अभी उपाध्यक्ष कौन है? चंपाई सोरेन। अगला ऑपरेशन चक्रव्यूह कहाँ चलाया गया? ऑपरेशन चक्रव्यूह कहाँ चलाया गया? तो गुमला में। कहाँ चलाया गया? गुमला में। आगे सहाय योजना क्यों शुरू की गई थी? तो नक्सल क्षेत्र के खेल प्रतिभा को उभारने के लिए, नक्सली जो क्षेत्र है वहाँ पर खेल प्रतिभा को उभारने के लिए। अभी क्वेश्चन देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सहाय योजना को आप पढ़ लीजिएगा, अलग से जो यूट्यूब देख रहे हैं वो लोग इसको नेट में खोज लीजिएगा, और नहीं मिलेगा तो हमको बोलिएगा। इसका एक खास पैटर्न क्या है, मतलब इसमें लिखा हुआ कि 17 साल तक के ही लोगों को मिलेगा, बच्चों को, उससे ऊपर वाले के लिए ये लागू नहीं होगा। 17 साल का बच्चा जो खेल खेलना चाहता है उसको ये चीज़ मुहैया कराया जाएगा। एक बता दिए, बाकी आप खोजिए कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, कहां पर घोषणा हुआ, कितना तारीख को हुआ, क्या क्या है इसमें मेथड सर। कोमलिका बारी किस खेल से है? तीरंदाजी। कौन खेल से है? तीरंदाजी। नाम है कोमलिका, एक पिक्चर एक सीरियल में गुंडी बनती थी इस नाम की लड़की। रमेश बैस किस क्रम के राज्यपाल हैं? 10वें। और हमारी जो आज लेंगी द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी ना आज, वो किस क्रम की मतलब किस नंबर की राष्ट्रपति बन जाएंगे? 15वें। गरिमा परियोजना किसके लिए शुरू किया गया? तो गरिमा मतलब क्या होता है? गर्भता है ना, तो गरिमा परियोजना किसके लिए शुरू किया? डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए उसके खिलाफ किया गया। और आगे डॉक्टर रवि रंजन किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है? रवि रंजन जो है यहाँ के किस क्रम के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो 13वें। किस नंबर के हैं? 13वें। और स्वास्थ्य सूचकांक में हमारा स्थान क्या है? 13वां। कौन स्थान रहा? 13वां। और पहला स्थान किसका रहा? केरल। किसका रहा? CBI के निदेशक कौन है? तो कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, ये झारखंड कैडर के थे, है ना। आगे 2021 में किस बीमारी ने मुख्यमंत्री जो थे कौन सा बीमारी को महामारी घोषित किए? तो क्या आंसर हो जाएगा? बेरोजगारी। क्या नाम है? अच्छा ब्लैक फंगस, हम सोचो बेरोजगारी लिखा होगा, नहीं बेरोजगारी नहीं, ब्लैक फंगस। क्या है? ब्लैक फंगस। कोरोना काल बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए, ऑनलाइन बुकिंग होता था ना कि चलिए आपको जल्दी से मरना है तो एक बेड ले लीजिए आप अपना, है ना, तो का उसके लिए जो ऐप शुरू किया गया था उस ऐप का क्या नाम था? अमृत वाहिनी। क्या नाम था? हमको कोरोना हुआ था ना तो बोला कि नहीं तुम चल जाओ वहीं रहना, भाग भाग, हम भुया में सूझ जाएंगे, अंगना के बाहर सूझ जाएंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, बोले कभी नहीं जाएंगे, किडनी चुरा ले जाएंगे। अब वहाँ पर कैसे मार रहा है पता भी नहीं चल रहा है, झूठो बोलेगा सुई देना है आपको, देने आए मालूम चला बेहोश, आपको डेड बॉडी मिलवे नहीं करता था, सीधे बोलता पैक हो गया आपको मिलेगा नहीं, कहा जिंदा आदमी था कि मरल आदमी था कि कहा था कैसे था कौन था कुछ पता नहीं। बहुत नहीं पटना में पकड़ाया था कितना आदमी का किडनी निकाल लिया था, हम नार बाप इधर रहेंगे, मरना है तो इधर जाएंगे, हम उधर से नहीं जाएंगे, तब भगवान बोलेगा पोट के ले जी कहाँ छोड़ के आए रहे तब। पान मसाला में प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया? केरल। कौन बन गया? केरल बोल रहे, झारखंड कौन बना? तो आपको बता के आना है पहला और दूसरा स्थान पर कौन रहा।
ये आपको भारत के जीएस के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पहला स्थान कौन रहा, दूसरा स्थान कौन रहा, तीसरा स्थान रहा झाड़ के लेंगे झारखंड। झारखंड की किस महिला का चयन क्रिकेट टीम में हुआ है, है ना, तो इंद्राणी राय। किसका, इंद्राणी राय का। सोलर फैमिली के लिए झारखंड में कौन सी योजना, सोलर फैमिली बोल रहे, सोलर फार्मिंग के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई, तो कुसुम योजना। कौन सा योजना, कुसुम योजना। और सोलर सिटी कौन बन रहा है, तो ऊंचा पहाड़ी मतलब गिरिडीह कौन बन रहा है। हजारीबाग के बहोरनपुर में भगवान बुद्ध की किस रूप की प्राचीन मूर्ति मिली है, अवलोकितेश्वर। कौन प्रकार का मिला, कौन रूप का, अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर मूर्ति जानते हैं किसको बोलते हैं, कोई नहीं बताया होगा, बता दे रहे, जिसमें एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं दूसरा हाथ से भुइयां को छुए हुए हैं, उसको अवलोकितेश्वर मुद्रा कहा जाता है, जान लीजिए, है ना। और ये किस काल का बना हुआ मूर्ति, पाल काल का। कौन काल का, पाल काल का। पाल काल का राजा कौन था, संस्थापक कौन था, गोपाल। गोपाल कैसे बोलता था, याद आ रहा ना, वही। और पाल वंश का द्वितीय शासक कौन था, द्वितीय संस्थापक कौन था, महीपाल। कौन था, क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, पाल वंश का संस्थापक अलग है सबका मुंह में, गोपाल 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 कर ले रहता है, द्वितीय का देख लीजिएगा, द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है, तो किसको, महीपाल को। किसको, महीपाल को। और एगो पाल वंश का शासक था जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ, उसका नाम क्या है, क्या नाम है, धर्मपाल। क्या नाम है, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया, धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, कुमारगुप्त। किसने बनाया था, कुमारगुप्त। चला था रे वीडियो, चला था। लगातार चार बार विधायक रहे बंदी उड़ाव, जो हमारे घर के 1 किलोमीटर सामने में रहते हैं, चले गए। कहां से विधायक थे, कहां से विधायक थे, सिसई से। कहां से थे, सिसई से। तो देखिए अभी तो ये आपको बंदी उड़ाव ये नहीं रहे, है ना, ये तो दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन चार बार विधायक थे। अभी वर्तमान में आपको जो यहाँ पर विधायक है वो कांग्रेस पार्टी से, काहे उसको इसे टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है बैल, है ना। अभी जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वहाँ के जो विधायक हैं अभी कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस झामुमो का सम्मिलित रूप से झामुमो के हैं, है ना, उससे है। उनका नाम है क्या, जिग्गा सुसारण होरो। क्या नाम है, जिग्गा सुसारण होरो। ये पूछ सकता है। अब देखिए सिसे ऐसे ही पार नहीं करते, सिसे में आपको नवरत्नगढ़ का किला है। क्या है, नवरत्नगढ़ का किला। आपको पूछेगा नवरत्नगढ़ का किला कहाँ है, सिसे में। नवरत्नगढ़ का किला कौन बनवाया, तो कौन बनवाया, दुर्जन साल बनवाया। और कहाँ बनवाया, तो डोईसा में बनवाया। कहाँ बनवाया था, डोईसा। नागवंशी राजा है ना, ग्वालियर, जिस ग्वालियर का जेल में था, जिसके समय भेड़ा का युद्ध हुआ जहांगीर के सामने, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये वहां पर और एक चीज बनवाया, क्या, 52 गो पोखर और 53 गो मठ। आपको पूछेगा 52 पोखर 53 मठ कहाँ है। एक बार आपको झारखंड में आपको उत्पाद विभाग या कोई चीज का एग्जाम हो रहा था, उसमें पूछा था, ये वो लंबा पोखर है, इतना गहराई, इतना ऊंचाई, आप देख लीजिएगा, झूठ बोल रहे हैं तो। झारखंड का जीएस में पूछा था वो तालाब कहाँ है, तो आंसर था गोड्डा। कहाँ था आंसर, गोड्डा। तो 52 पोखर 53 मठ नहीं पूछेगा तुमको, मुँह देखा है ना, मैं जिसको भी नोट डाउन कर लेना। 52 पोखर 53 मठ कहाँ है, सिसई में। कहाँ है, सिसई में, याद रखिएगा। नवरत्नगढ़ का किला भी वही है। और रघुनाथ शाह कौन, रघुनाथ शाह निरपति, जो 50वें राजा थे नागवंशी काल के। कौन थे, नागवंशी काल के 50वें राजा थे। वो राजा जो थे वो आपको यहाँ पर किस मंदिर का निर्माण करवाए थे, तो जगन्नाथ स्वामी का निर्माण करवाए थे, मंदिर का निर्माण करवाए थे। और इस मंदिर का निर्माण किनके कहने पर हुआ था, ये आएगा, तो पंडित या गुरु हरिनाथ के कहने पर। ठीक है, क्लियर है, आगे चलिए। अल्बर्ट एक्का की पत्नी का क्या नाम था, तो बल मदीना एक्का। उनका गांव का क्या नाम था, जाड़ी गुमला। कौन गांव, जाड़ी गांव। और गांव शहर जिला का नाम क्या, गुमला। और इनका भी देहांत 2021 में हो गया है, है ना। गुरुजी किचन की शुरुआत कब हुई, है ना, तो 2021 में हुआ है। और यहां पर भोजन कई रुपये मिलेगा, 5 रुपये। गुरुजी मतलब शिवू सोरेन। दीदी किचन का आरंभ कब हुआ, 25 अप्रैल 2021। डेट का घोषणा हुआ, ये सब क्या है, घोषणा है, शुरू नहीं हुआ था, घोषणा किया गया था। और इसमें भी आपको कुछ 10 रुपया 5 रुपया दे के आपको भोजन उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री किचन का घोषणा कब हुआ, तो 25 अप्रैल 2021। सब घोषणा है, मत सुनिएगा, समझिएगा, शुरू किया गया, घोषणा किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला है, सड़क हादसे में मरने वालों के आश्रितों को कितना राशि दिया जाएगा, कितना, 1 लाख। कितना, 1 लाख ऊपर से दिया जाएगा, काले मोर लो।
हाँ भाई, आपका बेटा गाड़ी चला रहा है रफ, गिर रहा है, उसको सरकार को देना पड़ेगा 1 लाख। 1 लाख कहाँ से आएगा? हम ही लोग का पॉकेट से आएगा, कोई और तो नहीं देगा। गुड द कास द, क्या है? गुड द कास द, कविता के लिए संथाली एकेडमी पुरस्कार किसको किसको मिला? तो रूपचंद हांसदा। ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, साहित्यिक एकेडमी पुरस्कार है। और बुक का नाम भी आपको पूछ सकता है कि रूपचंद हांसदा का इनमें से कौन सा कविता है, आप बताना होगा। तो क्या नाम है? गुड द कास द, है ना, संथाली भाषा का है, हिंदी में करवो मत कीजिएगा, वही वो नहीं करेगा। संथाली इंग्लिश में नहीं है, द लग रहा होगा तो आपको इंग्लिश लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। संथाली एकेडमी युवा पुरस्कार 2020 किसको मिला, इसीलिए एक जगह कर दिए, है ना, किसको मिला? अंजलि किसको, किसको मिला था? अंजलि किसको। भारत का सबसे बड़ा डाटा साइंस समिट में प्रथम स्थान किसको मिला? तो बी आई टी मिश्रा। मतलब क्या? बी से बिरसा की बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्थापना कब हुआ था? 1954। वेरी गुड। झारखंड का तीसरा आया हुआ, इसीलिए बगल में लिख दिए। झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बोकारो। कहाँ बनेगा? बोकारो। आपको बता के आना है कि भारत में कुल कितने क्रिकेट स्टेडियम है। आपको जो पहला क्रिकेट स्टेडियम झारखंड का, वो कहाँ है? जमशेदपुर में। क्या नाम है उसका? कीनन। क्या नाम है? कीनन। उसके बाद हमारा धुरुआ में है ना। और तीसरा बनेगा कहाँ? बोकारो। आगे मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ किसने लिखा? जयंती मुखर्जी। किसने लिखा? मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ किसने लिखा? जयंती मुखर्जी ने। आगे है देसी पर्यटकों के मामले में झारखंड का क्या स्थान है? देसी पर्यटक जो हैं, आपको झारखंड घूमने, जैसे अब देवघर नहीं आ रहा सबको, देवघर आ रहे हैं सबको घूमने के लिए, कोई आंजन धाम आते होंगे, बहुत जगह है घूमने के लिए, घूमने लायक बहुत सारा जगह, चाहे जमशेदपुर देखने के लिए आते होंगे, तो देसी पर्यटक जो आते हैं उस मामले में कितना स्थान है झारखंड का? नौ नंबर पर है। और विदेशी पर्यटक के मामले में कौन स्थान है हम लोग का? 16वां। याद कीजिए 2016 में शिशु मृत्यु दर क्या था? कितना था? 32। और फिर याद कीजिए 2016 में किनको किनको पद्मश्री मिला था? दीपिका कुमारी और आजा सिमोन राम। ऐसे पढ़ना है ताकि कोई चीज आपका छूटे ना। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन किसने लिखा? अनुज कुमार सिन्हा। कोरोना का पहला टीका झारखंड में किसको लगा? मरियम गुड़िया। कौन हॉस्पिटल से है? सदर हॉस्पिटल। कौन हॉस्पिटल? सामने में तो है जी। हाँ, झारखंड विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन सदस्य नामित नहीं होंगे, किस संशोधन के तहत? तो 126वां संशोधन के तहत। 126वां संशोधन के तहत अब एंग्लो इंडियन यहां पर लागू नहीं होंगे। उसके अलावा कितने राज्य में नहीं होंगे? मतलब झारखंड को मिलाकर 13 राज्य में अभी सब नामित नहीं होगा। झारखंड के किस चित्रकारी को बौद्धिक संपदा का अधिकार मिला है? सोहराई। किसको मिला है? सोहराई को। जीआई टैग मिला है, कोहबर को भी मिला, इसको भी मिला। अब देखिए एंग्लो इंडियन वाला तो पार कर दिया गलती से, स्पीड से पार नहीं करना। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, झारखंड में अंग्रेजों का गांव किसको कहा जाता है? मैस्कुलुस्कीगंज। एंग्लो इंडियन रहते हैं मैस्कुलुस्कीगंज, इधर जाएगा ना लातेहार तरफ जाएगा तो रास्ता में पड़ता है, खलारी से आगे, खलारी के आसपास में है ना, उसको कहते हैं। क्या पढ़े आगे? अच्छा, झारखंड के किस चित्रकारी को बौद्धिक संपदा का भी अधिकार मिला है? मतलब इसके पास एक बौद्धिक संपदा है ना, किसको मिला? सोहराई को। सोहराई हमारे पास एक डांस भी है, सोहराई हमारे पास क्या है? एक नृत्य भी है कि नहीं है? है ना, सोहराई हमारे पास क्या है? नृत्य भी है। झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। भारत के भी अध्यक्ष कौन है तीरंदाजी संघ के? यही है अंदाजी तीर, नामे अर्जुन है तो तीर के चलाएगा, चचे ना चलाएंगे, चचे को चलाना है सर। क्या है? प्रफुल्ल सम्मान किसको मिला? प्रफुल्ल सम्मान किनको मिला था? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर राम उचित। झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर कौन सा देश डॉक्यूमेंट्री दिखाएगा? जमैका। आदिवासी संस्कृति पर जमैका दिखाएगा, कौन दिखाएगा? जमैका। एगो रनर को देखें जो सबसे तेज दौड़ता है, क्या नाम है उसका? उसैन बोल्ट। किस देश का है? जमैका। नहीं देखते वो हाथ को एकदम टांगा जैसा आगे कर देता है, तीर जैसा बाहर निकाल देता है, जमैका। जमैका किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहता है? केला। किसके उत्पादन पर? केला, याद रखिएगा। झारखंड के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान शिक्षक का पुरस्कार मिला? आशीष मिश्रा। किसको मिला? आशीष मिश्रा।
झारखंड की एकमात्र महिला नारी है ना, महिला नारी रत्न अवार्ड 2021 किसको मिला? एकमात्र महिला है जिसको नारी रत्न अवार्ड मिला है 2021 में, किसको मिला? सीमा पासवान। क्या है? सीमा पासवान। देश का पहला राज्य जो यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करेगा झारखंड। नहीं, अभी मोरबादी में हुआ था। शहर को हरा भरा करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो शहर वानिकी योजना। कौन सा योजना? शहर वानिकी योजना। चूजा प्रजनन केंद्र झारखंड में कहां स्थापित होगा? खुट्टी। कहां होगा? खुट्टी में। कहां होगा? खुट्टी में। खुट्टी में खुट्टी गाड़ो, चूजा पालो। और सोलर पर सोलर सिटी कौन बन रहा है? गिरिडीह। कौन बन रहा है? गिरिडीह। कौन बन रहा है? गिरिडीह। और एगो सोलर के लिए पढ़े थे, सोलर फार्मिंग पढ़े थे, उसमें क्या था बताइए तो थोड़ा हमको, जल्दी बोलिए। तो क्या था आपका? कुसुम योजना किसके लिए चलाया गया है? सोलर फार्मिंग के लिए। ऐसे पढ़िएगा तो याद रखेगा। चूजा खुट्टी, और मतलब मुर्गा खरीदने जाना तो खुट्टी जाना होगा, तो इधर तो पेरवा खाक जाएंगे तो खुट्टिया तरफ जाएंगे, सस्ता होगा उधर, तो चूजा प्रजनन केंद्र। इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में झारखंड की राजधानी रांची को कौन सा स्थान मिला? तो झारखंड को 42वां और धनबाद को 48वां। कौन सा? 48वां। किस साहित्यकार को 2021 में झारखंड रत्न मिला? 2021 में झारखंड रत्न किसको मिला? पूजा शुक्ला। किसको मिला? पूजा शुक्ला। झारखंड के किस एक्टर को फिल्म द व्हाइट टाइगर के लिए नॉमिनेट किया गया था? व्हाइट टाइगर नहीं आया था, राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा, और यही था कौन? आदर्श गौरव। ईसाई जमशेदपुर का रहने वाला है, और बहुत अच्छा एक्टिंग किया था, बहुत अच्छा एक्टिंग करने के कारण उसमें इसको नॉमिनेट किया गया था, आपको समझ लीजिए है ना, याद रखिएगा। क्या नाम है? आदर्श गौरव। तारिणी कुमारी किस खेल से है? तारिणी कुमारी किस खेल से है? हॉकी। चलिए, मिस मिस क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो कौन है आपको? जयंती कुमारी। कौन है आपको? जयंती कुमारी। अभी जयंती नाम पढ़े थे, इससे पहले भी आप पढ़े हैं जयंती नाम, याद कीजिए। कहाँ पढ़े थे? इससे पहले आप थोड़ा देरी पढ़े हैं। मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ किसने लिखा? जयंती कुमार मुखर्जी। कौन थे? जयंती मुखर्जी। और यहाँ पर कौन है? मिस ग्रेट इंडिया का पुरस्कार किसको मिला? जयंती। कंफ्यूज मत कीजिए, नाम एक टाइप का है तो एक टाइप उसको जब लिखिएगा ना तो एक ही जगह पे लिख दीजिएगा तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, और दोनों का सहारा हो जाता है ना तो याद हो जाता है एक दूसरे का सहारा लेके। मैं बाघ हूँ, अभी पढ़े ना, व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर मतलब का बाघ होता है ना। द व्हाइट टाइगर जो है ना बुक को लिखे थे अरविंद अडिगा, वहां पर आपको हम बता नहीं पाए, अरविंद अडिगा लिखे थे, उनको 2008 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला था इसके लिए, उस बुक के लिए है ना। अब क्या लिख रहा? मैं बाघ हूँ किसने लिखा? प्रदीप कुमार। किसने लिखा? प्रदीप कुमार। उरांव लोक गीतों में नारी का चित्रण किसकी पुस्तक है? उरांव लोक गीतों में नारी का चित्रण किसकी पुस्तक है? तो विजय कुमार महतो। नारी रत्न अवार्ड अभी पढ़े, किनको मिला? सीमा पासवान। 5 बार विधायक, 2 बार सांसद रहे किस नेता का निधन हो गया? तो साइमन मरांडी है ना। किनका? साइमन मरांडी। जब विधायक बनते थे तो लिट्टीपाड़ा से, और जब सांसद बने तो कहां से? राजमहल से। नीचे मेंशन किया हुआ है। रहबर की रहजनी किसने लिखी? सरयू राय। रहबर की रहजनी किसने लिखी? सरयू राय। लम्हों की खता भी किसने लिखी? सरयू राय है ना। उसके बाद फिर क्या है? पूर्व खिलाड़ी महावीर प्रसाद किस खेल से है? फुटबॉल। किस खेल से है? फुटबॉल। आगे है, रांची से किस छात्र का चयन गूगल के समर ऑफ कोड 2021 में हुआ? तो शुभम राज। क्या नाम है? शुभम राज। अब इसका चयन जो है 1296 पूरा वर्ल्ड का स्टूडेंट हुआ था ना, 1296 स्टूडेंट में ये भी एक स्टूडेंट वर्ल्ड में, वर्ल्ड में यहाँ से गया एक लड़का शुभम राज 1296 स्टूडेंट। द पीपल्स लीडर किसने लिखा? सरयू राय। लम्हों की खता किसने लिखा? सरयू राय। अभी पढ़े ना थोड़ा देर पहले, सरयू राय नहीं पढ़े। रहबर की राजधानी भी किसने लिखा? सरयू राय। लम्हों की खता भी किसने लिखा? सरयू राय। द पीपल्स लीडर भी किसने लिखा? सरयू राय। मैं राम बनना चाहता हूँ किसने लिखा? राजीव सिन्हा। झारखंड की किस अभिनेत्री का चयन सेंसर बोर्ड में हुआ है? तो कल्याणी कुमारी। किसका हुआ है? कल्याणी कुमारी। और शायद ये साहेबगंज से है। कहाँ से है? झारखंड के किस पुरुष का चयन टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर के रूप में हुआ है? रविंद्र कुमार। क्या नाम है? रविंद्र कुमार। एगो रविंद्र कुमार महतो, याद आ रहा है ना, नाला से विधायक है हमारे, और कहा आपके आप विधानसभा अध्यक्ष है कि नहीं है? यूनिक आईडी बनने के बाद राज्य के किसानों को किस नाम से जाना जाएगा? तो बुड़बक किसान। बुड़बक किसान बोलता है ना यहाँ का आदमी को,
नेता मंत्री नहीं बोलता हम लोग को बुढ़बक किसान, बिरसा किसान, किस नाम से जाना जाएगा? बिरसा किसान। यही सब तो बना बना के हम लोग को बुढ़बक बना के रख रहा है। हम लोग खेती करते हैं, गरीब होते हैं, हम ही लोग का चावल खा के वो लोग अमीर हैं। हम ही लोग नहीं करेंगे तो क्या खाएगा ये लोग? पैसा 2 करोड़ खिलाएंगे पेट भरेगा? पूछना तो अभी पकड़ा है ना, कितना जी 21 करोड़ जो नोट एकदम छित्राल था कलकत्ता ईडी छापा 21 करोड़। 2021 में गरीबी उन्मूलन के मामले में झारखंड किस स्थान पर रहा? कौन स्थान पर रहा? गरीबी उन्मूलन के मामले में हम लोग 27वें स्थान पर थे। टोक्यो ओलंपिक के लिए झारखंड किन दो महिलाओं का चयन हुआ है? तो सलीमा टेक्टे और निकी प्रधान, ये तो खेलती भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं लोग। अगला, विश्व जूनियर कुश्ती में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला कौन बनी? चंचला कुमारी। कौन बनी? चंचला कुमारी। कुश्ती में मतलब बोलेगा चंचला कुमारी क्या खेलती है तो आपको बोलेगा कुश्ती, कुश्ती मतलब रेसलिंग। रांची की स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में देश में कौन सा स्थान रहा? तीसरा। इस देश में स्मार्ट सिटी लीडरशिप में हमारा स्थान क्या है? तीसरा। कहा पता किसको देख के दे दिया, कोनो ढंग का तो बिल्डिंगों ने बनाया यहाँ, सरकार अरेंजमेंट कर पाया है यहाँ? राजधानी टाइप का आपको लगता है? राजधानी टाइप का लगता है, सही बताइएगा तो? नहीं, एकदम नहीं। देश भर में नंबर वन फुटबॉल एकेडमी कौन बना? देश भर में नंबर वन फुटबॉल एकेडमी कौन बना? तो टाटा फुटबॉल एकेडमी। स्थापना कब हुआ था? 1987। कांस फिल्म महोत्सव में किन दो फिल्मों को दिखाया गया? किन दो फिल्मों को नहीं, गलती से दो लिखा हुआ है, किन फिल्मों को, किस फिल्म को दिखाया गया था? धूमकुड़िया। क्या नाम था इसका? धूमकुड़िया। कांस फिल्म महोत्सव कहाँ होता है? फ्रांस में। कहाँ होता है? फ्रांस। अरे जिसमें स्वर्ण राय लोग आपको पहुंच जाती है, हीरो हीरोइन लोग। सोन कन्हर सिंचाई पाइपलाइन झारखंड के किस जिले को छूती है? तो गढ़वा जिले को छूती है। और सोन कन्हर सिंचाई पाइपलाइन जो है उसका लंबाई कितना है? 271 किलोमीटर। कितना है? 271 किलोमीटर। जनजातीय कल्याण शोध संस्थान द्वारा झारखंड के किस समुदाय पर बनी पहली फिल्म का निर्माण किया गया है? किस फिल्म पर? गोंड। गोंड जानते हैं ना, अभी पिक्चर आया था RRR, गोंड जाति। हम लोग क्या उसको गोंड बोल देते हैं, हम लोग क्या बोल देते हैं उसको? गोंड मलार नहीं बोलते हैं, मलेर को हम लोग मलार बोलते हैं, अब गोंड को हम लोग गोंड बोलते हैं। आपको झारखंड जीएस का हम वीडियो धीरे धीरे डाल रहे हैं, उसको देखिएगा, उसका क्लास भी चलता है, क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा आपको उसमें नहीं लगेगा, समय भी नहीं लगेगा उसको खत्म करने में, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज रात को आपको किसका गया होगा, यानी कि कल रात को, आज का वीडियो तो कल मिलता है ना, एक दिन बाद मिलता है, तो आज रात को कौन सा वीडियो जा रहा है आपका? खरवार और सपाहोड़ आंदोलन का पूरा कहानी है, पूरा कहानी कैसे कैसे घटनाक्रम सब तो आपको पढ़ाता है ना, हम आपको कहानी के द्वारा बताएं। संसद को कुड़ुक भाषा में किसने संबोधित किया? कुड़ुक भाषा में बोला था, कौन बोले थे? 1964 में पीयूष तिर्की और 1972 में कार्तिक उरांव। 1964 में कौन? पीयूष तिर्की। और 1972 में कौन? कार्तिक उरांव। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से। टीकाकरण से क्यों संबंधित है? क्योंकि इसमें 7 गो टीका दिया जाता है। कई गो टीका दिया जाता है? 7 गो टीका दिया जाता है। टीकाकरण में कई गो टीका होता है? 7 गो। और रंग भी कई गो होता है इंद्रधनुष में? इसीलिए इसका नाम क्या है? इंद्रधनुष। सिमोन उरांव को किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाया गया है? तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का क्या नाम है? झरिया। क्या नाम है? झरिया। अब पूछेगा इनको झरिया, सिमोन उरांव को कब मिला था पद्मश्री? 2016 में। दीपिका कुमारी को भी 2016 में। बोलेगा कि कौन प्रोडक्शन इसको बनाया था? झरिया फिल्म, अखड़ा। प्रोडक्शन का क्या नाम था? अखड़ा। बोलेगा कि इसका डायरेक्टर कौन है? तो बिजू टोप्पो। कौन है? बिजू टोप्पो। अगला प्रश्न है, सरायकेला खारसावा के अंतिम राजा का निधन हो गया है ना, उनका नाम क्या था? तो प्रदीप चंद्र सिंहदेव, जिनको लोग प्यार से क्या बोलते थे? टिकैत साहब। क्या बोलते थे? टिकैत साहब। और प्रथम राजा यहाँ के कौन थे? कुमार विक्रम सिंह। कौन थे? कुमार विक्रम सिंह। और स्थापना कब किए थे इस राज्य का? 1620 में। कब किए थे? 1620 में। नीचे तो लिखिए दिए, आपका चाहिए। झारखंड की किस महिला को मिस गोल्डन गर्ल का अवार्ड मिला? मिस गोल्डन गर्ल का, तो इसिका भाटिया का। अभी आपको इंडिया मिस इंडिया का रन में कौन, रनर में कौन रही थी? क्या नाम है लड़की का? रिया तिर्की। झारखंड के किस युवा को फ्लाइंग साइकिलिस्ट का अवार्ड मिला? फ्लाइंग साइकिलिस्ट मतलब क्या? उड़ता। फ्लाइंग सिक्का किसको मिला हुआ है? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिंह उनको बोला है ना, हाँ ना, तो उसी तरह से फ्लाइंग साइकिलिस्ट का अवार्ड किसको मिला? अरिंदम विश्वास। 3 घंटा 11 मिनट में 100.2 किलोमीटर चल गए। 3 घंटा में 100 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं? सकेगा 3 घंटा में? बाप रे बाप, का स्पीड होगा रे बाप रे बाप। 100 घंटा मतलब 100 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं? बाबा धाम
सुल्तानगंज से पैदल हम लोग चलते ना बाबा धाम, तो हम लोग को लगभग 2.5 दिन लग जाता है, 2 दिन, और जो दौड़ते जाता है उन लोग को 24 घंटा लगता है। बताओ कौन स्पीड में साइकिल होगा बाबा। झारखंड सभा में राज्यसभा में झारखंड की कौन सी महिला का चयन संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में हुआ है? तो उनका नाम है प्रिया मारांडी। क्या नाम है? प्रिया मारांडी। मतलब समझ रहे हैं आपको, एक आपको चंद्रानी मुर्मू जो सबसे कम उम्र की विधायक थी, अब तो उनका जगह भी चला गया शायद कम उम्र में, जो नहीं मोदी के समय में बीजू जनता दल के समय लोकसभा में बोल रहे हैं, संथाली भाषा में बोली तो अनुवादक नहीं था, अनुवादक नहीं तो तुरंत बोला गया भाई संथाली भाषा क्या है आपको, राजभाषा के अंतर्गत आता है ना, 22वीं भाषा है ना हमारा, 22वीं भाषा में, तो तुरंत बोला इसका नियुक्ति हुआ कि भैया ये संथाली में बोलेंगे, बोलती सीधे। हमारी द्रौपदी मुर्मू भी क्या है? संथाली है। हो सकता है संथाली साड़ी पहन के वो शपथ लेने चल जाए, अब उनका मन शपथ लेना अपना संस्कृति प्रदर्शित करने का यही ना मौका होता है, अपना संस्कृति में जाएंगे, हो सके शपथ लेंगे, अब देखिए क्या करती है, उनका ऊपर है, बहुत बड़ा चीज है वो लोग। फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली सिंगर कौन है? शिल्पा राव। क्या नाम है? शिल्पा राव। पिक्चर कौन था? वार। क्या नाम था? वार। क्या नाम था? वार। गाना कौन था? घुंघरू टूट गए। अगला, देश के कुल तसर रेशम उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है? 76%। और हमारे यहाँ भी जंगल का प्रतिशत कितना है? 29.76%। ऐसे याद होता है, 62 से कितना हो गया? 29.62 से क्या हुआ? 29.76। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो 0.14% का। अभी ना बताएं, इतना छोटा चीज देखे मेरे दिमाग में सेट है, हमको याद करवाए, क्यों याद करवाए? काहे कि हम मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे और मेहनत करके पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते, इस कारण से आपको हम बता पाए, नहीं तो 76 कहाँ और 76 हम यहाँ, 71-72 होते रहता। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा शहर सिल्क सिटी बनेगा? दुमका। कौन बनेगा? दुमका। और आपको ये क्या बोले थे जी, कौन सिटी? सोलर सिटी। कौन बनेगा? गिरिडीह। और सिल्क सिटी कौन बनेगा? दुमका। सिल्क मतलब समझ रहे ना, रेशम। अगला है, HEC ने किसके लिए व्हील बॉगी सिस्टम का निर्माण किया? इसरो के लिए। किसके लिए किया? इसरो के लिए। इसका स्थापना कब हुआ था? 1978। HEC का स्थापना कब हुआ था? 1958। और आपको बताना है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। अब आपको बताना है इसरो के अध्यक्ष कौन है जो खाली स्थान छोड़ा हुआ है। HEC का स्थापना 31 दिसंबर 1958 को हुआ था। आपको बताना है इसरो का स्थापना कब हुआ और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। इससे पहले के सिवन थे जो चंद्रयान छूट रहा था, सब कोई उनको देख रहे थे, जो चप्पल उपल में थे, याद आ रहा है ना। आगे, 2020 में मलेरिया के मरीज सबसे अधिक किस जिले से निकले? तो सबसे ज्यादा कहाँ, जंगल कहाँ है, प्रतिशत कहाँ है, वही है। 700 पहाड़ियों का समूह किसको बोलते हैं? सारंडा को। पक्षी का गणना कहाँ होने वाला? सारंडा। तो वही ना होगा मलेरिया। झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला कौन है? तो मुर्गी पालन के करने वाला है, फूटी। तो ऑक्सीजन भी के लगाएगा, दोनों को ही मिला दिए ना। हाँ, ऐसे पढ़िएगा तो याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का स्टेम एम्बेसडर किस महिला को बनाया गया? तो डॉक्टर प्रिया। क्या नाम है? डॉक्टर प्रिया। और क्या कहाँ की रहने वाली है? जमशेदपुर। इससे पहले संथाली भाषा का पढ़े थे, संथाली भाषा का राज्यसभा में अनुवादक कौन बनी? क्या नाम था? प्रिया मारांडी। और ऑस्ट्रेलिया में स्टेम एम्बेसडर कौन बनी? डॉक्टर प्रिया। इंद्राणी राय किस खेल से है? क्रिकेट। किस खेल से है? क्रिकेट। इससे पहले क्रिकेट का एक खिलाड़ी का नाम लिखे था, बताइए क्या नाम था? याद कीजिए, शुभलक्ष्मी हजारीबाग की, वो भी क्या खेलती है? क्रिकेट। और संभावना उसका जाता है, वो आएगा। शुभलक्ष्मी एकदम टिक मार के रखना, ध्यान लगा के रखना, मोबाइल में टिक मार लो अपना, सब क्वेश्चन टिके हो जाएगा। यूट्यूब देख रहा हूँ, लोग टिके ना मारेगा, लिख लेना बाबू उतार के, रोक रोक के वीडियो लिख लो। नौडीहा गाँव, या फिर 10 बार देख लो, फ्री हो जाओगे सब चीज से। नौडीहा गांव पाकू में, पाकी पलामू में है ना, में किस शताब्दी के 200 चांदी के सिक्के मिले थे? 11वीं। किस शताब्दी के मिले थे? 11वीं शताब्दी के सिक्के वहां पर मिले थे। झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो राजीव रंजन। कौन है? राजीव रंजन। आपका अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? RR प्रसाद। क्या नाम है? RR प्रसाद। और एक आर रहता तो मजा आ जाता, का RRR बोल देते हैं, तो पी हो गया यहाँ पर। और आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो नफीस अख्तर। क्या नाम है उनका? नफीस अख्तर।
आपका जो 191वां प्रश्न है वो है कि जब झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय बिहार में थे ना हम लोग, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, और भारत के राष्ट्रपति कौन थे, और कब इसको राष्ट्रपति अप्रूव किए थे, तीनों चीज आप लिख के कमेंट एरिया को भरिए, है ना, भरिएगा तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपका धन्यवाद।